बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर के जिस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, जो पहला एमसीक्यू है हमारे पास उसमें वो कह रहा है एडिशन ऑफ वेक्टर ओबेज डैश प्रॉपर्टीज़। तो अगर आपने वीडियोज़ देखी हो थ्योरी की तो बिल्कुल सीधी सी बात है, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करता है, एसोसिएटिव को भी ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव उसके अंदर नहीं लिखा हुआ। सो ए और बी, तो जो ऑप्शन डी है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी बोथ ऑप्शन बोथ ए एंड बी, तो ए और बी दोनों को क्या करता है वो ओबे कर रहा है हमारे पास। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है और वो ये है कि जिस तरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा हुआ है तो कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों नहीं है। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खाली डिस्ट्रीब्यूटिव लिख देने से काम नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक कंपाउंड टाइप प्रॉपर्टी है, यानी अगर इसका पूरा नाम अगर आप देखें ना तो दो तरीके से लिखा जाता है। एक ये लिखा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, और बाज़ों का ये ऐसे भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये दोनों हैं, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों इंक्लूडेड है। बी केयरफुल, दैट इज़ वाई मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर टिक नहीं किया। ओके, बाई यूजिंग द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वी कैन ऐड डैश वैक्टर एट ए टाइम। एट ए टाइम कितने वैक्टर को ऐड कर सकते हैं? दो वैक्टर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखा हो, एडिशन ऑफ वैक्टर की वीडियोज़ आपने देखी हो, तो हमने उसमें हेड टू टेल रूल के अंदर ही बताया था दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। और अगर आपने डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की जब हम प्रूफ कर रहे थे तो उस वक्त भी आपने ये नोट किया होगा कि हमने पहले दो वेक्टर को ऐड किया था और जो आंसर आया था उसके साथ हमने फिर रिजल्टेंट वेक्टर को ऐड किया था। तो एट ए टाइम हम दो को ऐड कर सकते हैं एक वक्त में, ठीक है, एट ए टाइम। उसके बाद हम नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर जितने मर्जी ऐड कर लें, लेकिन एक वक्त में दो को ऐड किया जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मैथड वी कैन ऐड डैश वैक्टर एट ए टाइम। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मैथड के ज़रिए हम एट ए टाइम एक वक्त में कितने वैक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? तो हम एट ए टाइम बेतहाशा वैक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मैथड जो है वो हमारे पास क्या है कि हम एक्स कॉम्पोनेंट पहले वैक्टर का लेते हैं, फिर एक्स कॉम्पोनेंट दूसरे वैक्टर का लेते हैं, इसी तरीके से सबके एक्स कॉम्पोनेंट को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का एक्स बनता है। इसी तरीके से जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है, तो पहले वेक्टर का वाई एक्सिस कंपोनेंट दूसरे का तीसरे का चौथे का सबको ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का वाई बन जाता है। तो हम एक साथ बेतहाशा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के ज़रिए। प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड जो है ना, इट इज़ मतलब उसको शो हम ज़रा ग्राफिकली कर रहे होते हैं, बट इट इज़ ए मैथमेटिकल मेथड, यानी कि ये एक अल्जेब्रिक मेथड है हमारे पास, वेक्टर अल्जेब्रा से रिलेटेड है। ये कोई ग्राफिकल मेथड नहीं है जिस तरीके से हेड टू टेल रूल है या जिस तरीके से हमारे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। ओके जनाब, फिर हमारे पास नेक्स्ट वन है जी। तो नंबर 4 के अंदर कह रहा है कि टू वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, ये 10 न्यूटन है, 10 यूनिट हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, 10 यूनिट है। आर मेकिंग एंगल 30° एंड 90° फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहे हैं। तो मैं एक तस्वीर आपको पहले दिखा दूं, उसके बाद फिर मज़ीद बात करते हैं। देखिए, ये मैंने क्या किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बनाया। तो ये मैंने एक पहला वेक्टर बनाया हुआ है और इसको मैंने 30° का एंगल दिखाया, इस एंगल को मैंने थीटा 1 कह दिया। तो 30° और वेक्टर का नाम मैंने अपने से रख दिया A1, और मैग्नीट्यूड कितना दिया उसने 10 न्यूटन। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाए हुए हैं और इसमें वाई डायरेक्शन में, बिल्कुल वाई डायरेक्शन में मैंने वेक्टर बनाया है, इसका नाम मैंने A2 रखा है और 10 यूनिट रखा है। क्यों वाई डायरेक्शन बनाया? क्योंकि आप देखिएगा उसने एंगल हमें कितना दिया है, 90° दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास, यानी एक्स एक्सिस से 30° और एक्स एक्सिस से ये 90° हमारे पास, ये दोनों हो गए। उसके बाद देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, वो कह रहा है कि द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वैक्टर, जो रिजल्टेंट वैक्टर है उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होगा। तो ये ज़रा समझ लीजिए क्या होगा। देखिए, हमने करना ये है कि हमने ये जो पहला वैक्टर है A1, इसका भी वर्टिकल कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करना है, और ये दूसरा वैक्टर है इसका भी वर्टिकल कॉम्पोनेंट कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर देखा हो तो ये बड़ी आसान सी बात है, वाई कॉम्पोनेंट जिसको हम वर्टिकल कॉम्पोनेंट कहते हैं, जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम उस वक्त बनाते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A sin थीटा होता है। तो चूंकि वेक्टर का नाम A1 रखा है तो मैंने इसका नाम A1 sin थीटा और थीटा का नाम थीटा 1 है तो थीटा 1 कर दिया। और इसी तरीके से अगर इस वेक्टर का मैं वर्टिकल कंपोनेंट बनाऊंगा तो वो बनेगा इसी डायरेक्शन में, लेकिन बहरहाल मैंने फार्मूला लिख दिया A2 sin थीटा 2, एंगल का नाम थीटा 2 है तो मैंने थीटा 2 कर दिया और वेक्टर का नाम A2 है तो A2 कर दिया। तो देखिए, A1 कितना है, 10 है, मैंने 10 रखा। थीटा 1 मेरे पास कितना है, 30 है, 30 रखा। sin 30 0.5 होता है, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज़ 5।
इसी तरीके से यहाँ पर वेक्टर ए टू का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 यूनिट, मैंने 10 यूनिट रखा, और साइन थीटा टू, थीटा टू 90 है, साइन 90 रखा, साइन 91 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 आ गया। तो पहले वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट 5 और दूसरे वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट 10 आ गया। तो रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, पहले का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस सेकंड का वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट को मैंने प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 15 मेरे पास आ गया। तो अब मैं अगर इस पे जाता हूँ कि ये जो लिखा है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो वो मेरे पास कितना होगा, वो मेरे पास होगा 15। आई बिलीव सो, समझ में आ गई होगी कहानी, के कहानी है क्या क्या करना है, पहले वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट निकाले, दूसरे वेक्टर का भी वर्टिकल कंपोनेंट निकाले और दोनों वर्टिकल कंपोनेंट को प्लस कर दें। दिस इज़ अ सिंपल स्टोरी। इसी तरीके अगर वो मुझसे पूछता कि जी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताएं, तो देखिए मैंने भी उसको वीडियो के अंदर किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया कि मैंने क्या किया, ये जो पहला वेक्टर है, इस पहले वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा है, वो हमेशा होता है कॉस, है ना। तो मैं पहले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिखूंगा तो वो लिखूंगा ए वन कॉस थीटा वन, और दूसरे का अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखूंगा तो ए टू कॉस थीटा टू लिखूंगा। तो ए वन भी मेरे पास 10 है, ए टू भी मेरे पास 10 है, थीटा वन 30 है मेरे पास, तो कॉस 30.866 होता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया आ गया 8.6। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे ए टू 10 है और थीटा टू हमारे पास 90 है, और कॉस 90 कितना होता है, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 0 हो गया। और वैसे भी अगर आप तस्वीर में देखें तो जब वेक्टर बना ही वर्टिकल डायरेक्शन में ए टू, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नहीं है ना, मेरा ख्याल बात समझ आ रही होगी। तो अब अगर मुझसे कहा जाए कि जनाबे अली रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल यानी एक्स कंपोनेंट मुझे बताइए, तो पहले का एक्स कंपोनेंट प्लस सेकंड का एक्स कंपोनेंट, तो 8.66, ये मेरा ख्याल बात समझ में आ गई होगी। तो पहले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालिए, दूसरे का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालिए और दोनों को प्लस कर दीजिए। ओके, तो अब अगर मैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आता हूँ, नंबर 5 के ऊपर मैं आता हूँ, तो नंबर 5 में कह रहा है टू वेक्टर हैं ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, दोनों के 10 यूनिट हैं, मेकिंग एन एंगल 60 एंड 90 डिग्री, एक 60 बना रहा है एक 90। तो पहले वाले क्वेश्चन में 30-90 था, ये देखिए 30-90, तो इस दफ़ा 60-90 कर दिया। कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल के प्लस कर लें। तो अगर मैं यहाँ से वैसे प्लस भी करूँ, ये जो वीडियो है, तो ये कॉस 30 की जगह मुझे कॉस 60 करना है, और कॉस 60 हमारे पास कितना होता है, 0.5 होता है। कॉस 60 कैलकुलेटर पे कीजिए तो कितना आएगा, 0.5, और 0.5 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 5। तो ये कंपोनेंट तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नोट कर लें कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और ये कंपोनेंट कितना होगा, तो ये 10 और cos 90 दिया हुआ, cos 90 0 होता तो ये कंपोनेंट 0 आ गया। तो एक 5 है और दूसरा 0 है, तो 5 और 0 को ऐड करें तो कितना आंसर आता है, 5 आता है। तो मेरे पास जवाब आ चुका है, और वो जवाब ये है कि अगर मैं 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले दो वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करता हूँ, तो रिजल्टेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मेरे पास आएगा 5। आई बिलीव सो, ये समझ में आ रही होगी, मैंने कैलकुलेशन कर दी है। फिर भी इवन इफ़ यू फील के यू हैव सम कन्फ्यूजन और यू वांट सम डिस्कशन, मोर डिस्कशन, यू कैन कमेंट मी, इंशाल्लाह आई विल गिव यू आंसर। नंबर 6, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वैक्टर आर इक्वल। सम, दो वैक्टरों का सम और दो वैक्टरों का डिफरेंस, सम का मतलब है ए प्लस बी और डिफरेंस का मतलब है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। वो कह रहा है इफ, कब इक्वल होगा, अगर एंगल बिटवीन द वैक्टर, वैक्टर के दरमियान एंगल कितना हो। तो इसको ज़रा मैंने किया हुआ है, ये देख लें जी, यहाँ पर है, लेट मी इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दूँ, ये मेरे ख्याल आप समझ में आ रहा होगा। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी यानी सम, और ये जो दो लाइनें डली हुई हैं मॉड, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। थ्योरी पढ़ी होनी ज़रूरी है प्लीज़, तब ये बातें समझ में आएंगी। a माइनस बी का मतलब है दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ टू वैक्टर, और ये मॉड का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड। तो सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड मैंने इक्वल लिखा है। तो ये जो फार्मूला हमारे पास बनता है, अगर डॉट प्रोडक्ट से आपने देखा हो तो ये फार्मूला बनता है, और इसका फार्मूला ये है, दोनों में फ़र्क ये है कि अगर प्लस है तो प्लस 2ab cos थीटा और माइनस है तो माइनस 2ab cos थीटा। तो आप रूट से रूट को कैंसिल कर दीजिए तो ये सारी चीज़ हमारे पास आ गई। ये दो आंसर कब इक्वल होंगे, देखिए मैंने कहा अगर हम थीटा कितना लेते हैं 90, क्यों, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0, तो ये cos 90 0 है तो ये पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये मेरी बात समझ रहे हैं, यानी 2ab मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये पूरा प्लस 2ab वाला ख़त्म। इसी तरह यहाँ पे भी cos 0 cos 90 0, ये पूरा 0 जब 2ab से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2ab वाला सारा ख़त्म,
तो हमारे पास क्या बचेगा, इस साइड में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस साइड में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों मैग्नीट्यूड क्या हो गए, सेम हो गए। ये कब सेम हुए हैं, जब मैंने दोनों वैक्टर के दरमियान एंगल कितना लिया है, 90 डिग्री लिया है। तो मेरा जो आंसर है वो आंसर आ रहा है कितना, 90। ओके, ये एक तरीका है बात करने का, यानी मैंने ये बात की है आपके साथ, यानी कैलकुलेशन बेस बात की है। मैंने एक और काम भी किया, ये मैंने थोड़ा सा ग्राफिकली भी इस बात को कर दिया, और मैं दुआ करता हूँ कि मेरी बात आपकी समझ में आ जाए। ये देखिए, मैंने पहला वेक्टर बनाया ए, ये दूसरा वेक्टर बनाया बी, दोनों के दरमियान एंगल दिखाया 90। मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करना चाह रहा हूँ, सम करना चाह रहा हूँ। कैसे सम होगा भाई, बी को ए के हेड पर बनाओ, ये मैंने बना दिया बी के सामने वाला बी, और ए को बी के हेड पर बनाओ तो ये बी के ऊपर मैंने सामने ए बना दी, तो ए के सामने वाला ए। तो ये जो जहाँ से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे थे, यहाँ से अगर मैं डायगनल बनाता हूँ तो ये डायगनल क्या होता है, ए प्लस बी होता है, दिस इज़ द सम ऑफ द वेक्टर। इसी तरीके से इधर आ जाए इस डायग्राम पे, तो ये पहला वेक्टर है ए, ए के सामने वाला ए, ये बी है तो बी वेक्टर के सामने वाला बी। जहाँ दोनों वेक्टर के हेड हैं, अगर मैं हेड को हेड से मिला दूँ, ये एरो भी देख रही है, यानी इधर से इधर आ रहा है या इधर से इधर चले जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास मैंने वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ वेक्टर। जी हाँ, ग्राफिकली जहाँ से दोनों वेक्टर मिले हुए हैं वहाँ से डायगनल का मतलब है सम ऑफ द वेक्टर, और अगर हेड को हेड से मिला दें, दिस इज़ नोन एज द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, तो ये वाली जो डायग्राम है ये भी एक रेक्टेंगल है, ऊपर वाली डायग्राम भी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का ये वाला डायगनल ले लो या रेक्टेंगल का ये वाला डायगनल ले लो, दोनों डायगनल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ग्राफिकली भी मैं आपको ये प्रूफ करने जा रहा हूँ कि यस, जब भी दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल 90 होगा, तब इनका डिफरेंस, इनका सम और इनका डिफरेंस आपस में इक्वल होंगे। आई बिलीव सो कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके जनाब, नेक्स्ट वन कह रहा है, इफ़ यू वांट टू ऐड 3 वेक्टर बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, देन वी हैव टू अप्लाई इट। अब देखिए, मेरे पास 3 वेक्टर हैं, पैरेललोग्राम मैंने अप्लाई करना है। पहले मैंने 2 वेक्टर के ऊपर पैरेललोग्राम अप्लाई किया, ठीक है, उसका मेरे पास एक आंसर आ गया। वो जो आंसर मेरे पास आया वो थंब है, इन 2 वेक्टर को मैंने ऐड किया, वो थंब है। उस थंब के साथ ये जो तीसरा वेक्टर है, इसको मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो मैंने क्या किया, एक दफ़ा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई किया तो 2 वेक्टरों को ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसके साथ मैंने तीसरे को क्या कर दिया, दोबारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई किया, फिर ऐड किया। तो इसका मतलब है 3 वेक्टर को ऐड करने के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कितनी मरतबा अप्लाई किया, मैंने 2 मरतबा अप्लाई किया। तो कितनी मरतबा अप्लाई करूँगा, 2 मरतबा अप्लाई करूँगा। ये मेरे ख्याल है मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो 3 वेक्टर को ऐड करने के लिए 2 मरतबा मैंने अप्लाई किया। अगर 4 वेक्टर होंगे तो पहले 2 वेक्टरों के लिए 1 मरतबा अप्लाई हुआ, फिर उसके साथ दूसरे को ऐड किया तो 2 मरतबा अप्लाई हुआ, 3 ऐड हो गए, फिर उसके साथ चौथे को किया तो 3री मरतबा अप्लाई किया। तो 4 को ऐड करने के लिए 3 मरतबा अप्लाई करूँगा, 5 वेक्टर को ऐड करने के लिए 4 मरतबा अप्लाई करूँगा, 6 वेक्टर को ऐड करने के लिए 5 मरतबा अप्लाई करूँगा। तो अगर वेक्टर 5 है तो अप्लाई 4 मरतबा किया है ना, यानी वेक्टर कितने हैं, उससे 1 कम कर लो, -1 कर लो, तो उतनी मरतबा अप्लाई करते हैं। 3 वेक्टर को ऐड करने के लिए 2 मरतबा अप्लाई किया, तो वेक्टर 3 3 3 -1 तो 2 मरतबा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे। 4 वेक्टर को ऐड करने के लिए 3 टाइम अप्लाई किया, 4 वेक्टर हैं तो 4 -1 तो 3 टाइम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे। 5 वेक्टर हैं तो 4 मरतबा अप्लाई किया, तो 5 में से 1 माइनस कर लो तो 4 टाइम अप्लाई करेंगे। तो जितने वेक्टर हैं -1। तो अब अगर आप नेक्स्ट पढ़ें, इफ़ यू वांट टू ऐड एन वेक्टर्स, देखो एन वेक्टर है, बेतहाशा वेक्टर है, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड करना चाहते हैं, तो वी हैव टू अप्लाई इट, कितने मरतबा अप्लाई करना पड़ेगा, 1 कम कर लो एन में से, 5 थे तो 4 मरतबा, एन है तो एन में से 1 कम कर लो, तो एन माइनस 1। आई बिलीव सो समझ में आ गई। ओके जनाब, इफ़ यू वांट टू ऐड एन वेक्टर बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, वी हैव टू अप्लाई इट। हाँ भाई, कितनी मरतबा अप्लाई करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये एक अलजेब्रिक मेथड है, इसमें तमाम जितने भी वेक्टर हैं उन सब के एक्स कंपोनेंट को एक ही दफ़ा ऐड कर लो और वाई कंपोनेंट को एक ही दफ़ा ऐड कर लो, तो 1 मरतबा अप्लाई करना होता है, ठीक है। ये अलजेब्रिक मेथड की ब्यूटी है हमारे पास कि इसको 1 मरतबा अप्लाई करना होता है, तो 1 मरतबा अप्लाई होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर इज मैक्सिमम ओनली व्हेन द वेक्टर आर, अच्छा इसके लिए मैंने ये तस्वीर मैंने बनाई हुई है, कह रहा है कि क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर इज मैक्सिमम, 2 वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा,
तो ये देखो तस्वीरें मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अगर ये एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है दूसरा मेरे पास बी, तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी को बनाया, तो रिजल्टेंट क्या है, ये दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, यानी टेल को टेल से मिलाया, हेड को हेड से मिलाया, तो वो मैंने नीचे दिखाया हुआ है। तो आप मुझे बताइए अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हों, एक वेक्टर जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर भी हो, तो हमारा जवाब हमेशा मैक्सिमम आता है। इसी तरह मैंने इस तस्वीर में दिखाया कि देखो ये पहला वेक्टर ए है ना, ये मैंने दिखाया ए मैंने बनाया या नीचे से दिखाया, फिर इसके हेड के ऊपर मैंने बी वेक्टर रखा और बी वेक्टर रिवर्स डायरेक्शन में, यानी अगर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ए ए के हेड पे बी का टेल रख के उसको इस डायरेक्शन में कर दिया, मेरी बात समझ रहे हैं, तो ए ए के हेड पे बी रख के ये बी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए, इसी जगह पे पहुँच गए, तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, मिनिमम होता है। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल, पैरेलल को मैथमेटिकली कहते हैं एंगल ज़ीरो, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वाला जो है जिसमें जवाब बिल्कुल ज़ीरो आया मेरे पास, इसको मैथमेटिकली हम कहते हैं 180 डिग्री ऑपोजिट या एंटी पैरेलल या मैथमेटिकली 180 डिग्री। ओके, मेरा ख्याल यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो अब मुझे इसका जवाब बताइएगा क्या होना चाहिए, इसका जवाब हमारे पास कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम ओनली व्हेन द वेक्टर आर पैरेलल, जब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, तब हमारे पास मैक्सिमम जवाब आता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके जनाब, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज मिनिमम, अभी मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी कि मिनिमम में क्या होगा, ये देखिए कि जब भी एंटी पैरेलल होंगे तो हमेशा माइनस होंगे, तो माइनस में जवाब कम से कम आएगा हमारे पास। तो जनाब अली ये जो दूसरा है इसका जवाब है हमारे पास एंटी पैरेलल, ऑपोजिट भी कहते हैं, एंटी पैरेलल भी कहते हैं, ऑपोजिट का लफ्ज़ हो तो वो भी याद रखिएगा प्लीज़। ठीक है, ओके जनाब, नेक्स्ट वन इज ओके, ये जो बाकी हैं इसके लिए मैंने एक तस्वीर है, ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ और इसके ऊपर हम लोग फिर बात कर लेते हैं कि ये है क्या। ये देखिए, ये ज़रा इस तस्वीर को देखिएगा, देखिए इसमें मैंने क्या दिखाया कि एक वेक्टर बनाया, उसका मैग्नीट्यूड मैंने एफ़ दिखाया, खैर मैंने ऊपर एरो लगा दिया लेकिन मैग्नीट्यूड एफ़ है, और ये दूसरा मैंने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाया है, इसको मैंने दिखाया एफ़, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वही बात है कि पहला वेक्टर बनाओ इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में पहला वेक्टर मैंने आपने बनाया तो ये हमारे पास क्या है एफ़, एफ़ के हेड पे दूसरा एफ़ रख के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आप बना दें, तो जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए आप, है ना। तो अगर दो वेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हमेशा मिनिमम आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन सी डायरेक्शन में हैं, एंटी पैरेलल, ऑपोजिट या 180 डिग्री। तो जब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वो कह रहा है देयर आर टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेड इज़ फाउंड टू बी ज़ीरो, उनका मैग्नीट्यूड हमें पता चला ज़ीरो है, बिल्कुल ये डॉट है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड ज़ीरो। तो ये कब है हमारे पास, वो कह रहा है द वेक्टर आर डैश टू ईच अदर, क्या होंगे अगर एक इस तरफ हो और एक बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल होंगे या ऑपोजिट होंगे। तो हमारा जो जवाब है वो क्या है कि ये एक दूसरे पे क्या होंगे, एंटी पैरेलल, राइट। ओके, फिर कह रहा है टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड एफ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट टू एफ है, तो बताइए एंगल क्या होगा। तो देखिए, ये देखिए, ये मैंने बनाया है पहला वेक्टर एफ, ये मैंने बनाया है दूसरा वेक्टर एफ, और दोनों को मैंने ऐड किया है, ये मैंने खुद दोनों को 90 डिग्री बनाया ताकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, पहला वेक्टर एफ और उसके हेड के ऊपर मैंने दूसरा वेक्टर इस एफ को ये ड्रॉ कर दिया, तो टेल को टेल से मिलाइए और हेड को हेड से मिलाइए, ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये रिजल्टेंट हमने मालूम करना है, तो क्या यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री का मतलब है दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यस, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आई बिलीव सो, समझ में आ रही होगी, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जैसे स्क्वायर को हटाइए तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, रूट, ये रूट लगा दिया, एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताइए, एफ के ऊपर तो स्क्वायर है तो एफ रूट से बाहर आके एफ हो गया, और ये रूट जो है ये टू के ऊपर लग गया, तो रिजल्टेंट कितना है अंडर रूट टू एफ। तो रिजल्टेंट अंडर रूट टू एफ कब आया, जब दोनों वैक्टर के दरमियान एंगल मैंने कितना लिया है, 90 डिग्री लिया है। ओके, सो इस सवाल का जवाब के रिजल्टेंट अंडर रूट टू एफ कब आएगा हमारे पास, तो रिजल्टेंट अंडर टू एफ उस वक्त आएगा जब हमारे पास दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या होंगे जनाब, परपेंडिकुलर होंगे। ओके,
नेक्स्ट, देर आर टू फोर्सेज इक्वल मैग्नीट्यूड एफ और उसका जो रिजल्टेंट है वो टू एफ है। तो देखो वैसे तो सीधी सीधी सी बात है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे एफ प्लस एफ टू एफ हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी इसको समझाया यहाँ पे तस्वीर में। ये देखिए, ये हमने क्या दिखाया हुआ है कि ये एफ है और ये भी एफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो पहला वैक्टर बनाया एफ, उसके हेड पर दूसरे वैक्टर का टेल ये रखा और बना दिया बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। तो टेल को टेल से मिलाया, हेड से हेड को हेड से मिलाया, तो रिजल्टेंट मैंने नीचे बना दिया। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एफ प्लस एफ सिंपल सिंपल टू एफ हो गया। ओके, तो जब क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, पैरेलल का मतलब है कि मैथमेटिकली एंगल कितना होता है, जीरो होता है। तो कब होगा पैरेलल होगा, उसने पैरेलल पूछा है तो हम पैरेलल पे लगा देते हैं। ओके, ये कह रहा है दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ सेम है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी एफ है, दोनों उसके बराबर है। ये वैसे एक न्यूमेरिकल बेस रीजन टाइप क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और मैंने अपने चैनल पे वीडियोस में इसको सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने वहाँ से देखा है तो इस वक्त आप फ़ौरन जवाब पे पहुँच गए होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको आज एक और थियोरेटिकली तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ये देखिए, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर सेम। नाउ सपोज दिस साइड इज द वेक्टर एफ, उसके हेड पे ये दूसरा हमने वेक्टर रखा, ये भी एफ, दोनों वेक्टर सेम है। तो टेल को टेल से मिलाएं, हेड को हेड से मिलाएं, तो ये मैंने बनाया रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर भी एफ के बराबर है, यानी एफ एफ और एफ, तो तीनों वेक्टर बराबर हो गए, यानी रिजल्टेंट भी एफ के बराबर हो गया। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई, है ना, क्योंकि जब वो कह रहा है कि तीनों क्या है, यानी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट का भी उनके बराबर है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात ये होती है उनके अंदर एंगल भी सारे सेम होते हैं। तो एक ट्राइंगल में टोटल एंगल कितने होते हैं, 180 होता है, तो तीनों पे डिवाइड कर लो तो 60 60 60। अब ये रहा वेक्टर, पहला वेक्टर एफ, ये था दूसरा वेक्टर एफ, ये तो रिजल्टेंट है, देखे ना, इसका हेड इस एफ के हेड से मीट कर रहा है, इस आर का टेल इस एफ के टेल से मीट कर रहा है। ओके, सो ये दो वेक्टर, इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होगा, तो मैंने आपको वीडियोज़ में समझाया है कि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। प्लीज़ बी केयरफुल, दिस 60 इज नॉट द एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज ऑलवेज टेकिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज़ बी केयरफुल, दिस इज मैथमेटिक्स। इसकी थ्योरी को समझने के लिए आप वीडियो में जाएं, वहाँ मैंने सारी बताई हुई है। तो मैंने बताया कि यहाँ अंदर एंगल 60 है, लेकिन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ये बाहर का एंगल कितना होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल होता है 180। 180 में से इस 60 को निकाल दो, माइनस 60, तो 120, तो ये बाहर एंगल कितना बना, 120। सो दी आंसर इज 120 डिग्री। आई बिलीव सो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो टॉपिक है हमारा, जिसे हमने कहा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर, इसके एमसीक्यूज भी हमारे पास कंप्लीट हो गए और थोड़े से टफ एमसीक्यूज थे बिकॉज के न्यूमेरिकल बेस थे और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको आपको न्यूमेरिकली समझा सकूं कि किस तरीके से है। बट इवन इफ़ यू फील के यू हैव सम कन्फ्यूजन और यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, सो कमेंट मी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो थम अप का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले टॉपिक की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा। Thank you so much. Allah Hafiz.